नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार का बयान, जिले में अपराधियों के ऊपर सख्त कार्यवाही, नशा कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार में लिप्त थानेदार एवं प्रभारी हो जाए, सावधान जमीनी विवाद में पुलिस राजस्व विभाग मिलकर कराए निस्तारण। प्रतापगढ़ जिला ब्यूरो, अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। क्या जो है, रहेगी कैसी कार्रवाई? एसपी प्रतापगढ़ के रूप में मेरी प्राथमिकताएं अपराध पर नियंत्रण, अपराध की रोकथाम और अपराधियों पे सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई रहेगी। इसके अलावा जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी रहे, इस पर फोकस रहेगा। जो फरियादी हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको संवेदनशील तरीके से सुना जाए और उनका त्वरित, प्रभावी और न्यायोचित निस्तारण उनकी समस्याओं का किया जाए, इस पर फोकस रहेगा। जो महिला संबंधी अपराध संबंधी जो समस्याएं हैं उन पे हमारा विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा पुलिसकर्मी जो हैं उनके सदव्यवहार और जो इंटीग्रिटी है वो कायम रहे, किसी तरह की करप्शन या दुर्व्यवहार की शिकायतें ना आए, इस पे हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो अभी तक जनपद में जो कानून व्यवस्था की स्थिति, जैसा आप लोगों ने बताया, जो बेहतर हुई है और जिस तरह से चीज़ें ठीक हुई हैं उसको और आगे उसी स्पीड से आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। सर, लोकल थानों पर जो है फरियादियों की समस्या जो है वो काफ़ी हद तक जो है जिसके चलते उच्च अफसरों तक लोगों को आना पड़ता है, इससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए देखिए, हमारा ये प्रयास रहेगा कि थाना स्तर पे, स्थानीय स्तर पे ही लोगों की समस्याओं का समाधान रहे। इसके लिए जो हमारे चीफ कॉन्स्टेबल हैं और अलका चौकी प्रभारी और थाना अध्यक्ष हैं, उन सभी को इस चीज़ के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। थाने में आने वाला जो प्रत्येक फरियादी है उसकी समस्या अटेंड हो, उसको अटेंड किया जाए और संबंधित जो जाँचकर्ता पुलिसकर्मी हैं उसको उसकी समस्या बताई जाए। साथ ही जो फरियादी है उसको भी उसकी जांच कौन पुलिसकर्मी करने वाला है उसका नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपनी समस्या की अपडेट है जांच की उसको जान सके। व्यवस्था हमारे द्वारा की सर, शहर में ट्रैफिक के कारक हैं, जो कारण है उनको चिन्हित किया जाएगा और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें जनता के लोग हैं, व्यापार मंडल, व्यापारी लोग हैं, इसके अलावा जो ठेला पटरी वाले लोग हैं, जो ऑटो या ई रिक्शा जो वाहन वाले लोग हैं, और इसके अलावा पुलिस, जो अगर नगर का एरिया है तो नगर पंचायत के लोग और अन्य विभाग, ये सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको सम्मिलित करके, उन सबको साथ लेके और उन कारणों को खोजा जाएगा, उन कारणों का उनसे मिल के समाधान निकाला जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, जिले में नशे को लेकर एक जो है बड़ी अव्यवस्था है, नशा जो है काफ़ी चरम सीमा पर आता है, क्या कार्रवाई रहेगी उसको लेकर, क्या कर सकते हैं? जो नशा है उसके ग्रुप पुलिस का जो काम रहता है, जो नशे के तस्कर हैं, मादक पदार्थों के तस्कर, उनके ग्रुप जो सख्त कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर गुंडा गैंगस्टर और बाकी संपत्ति व्यक्तिगण जैसी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से युवाओं को नशे की नशे बचाने का ठीक है। थैंक यू सर।